नमस्कार बच्चों, पिछले लेक्चर्स में बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर इनकम टैक्स के अंदर अपने पढ़ रहे थे मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आगे अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने कुछ प्रावधान के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक नंबर है, दो से अधिक मकानों का स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करना। यानी यदि कोई करदाता अपने दो से अधिक मकान खुद के निवास के लिए प्रयोग में लाता है तो उसमें क्या प्रावधान है। यदि कोई करदाता दो से अधिक मकान अपने स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लाता है तो केवल दो मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा। शेष मकानों के वार्षिक मूल्य की गणना ये मान कर की जाएगी कि वे किराए पर उठाए गए। तो यदि कोई करदाता दो से अधिक मकान अगर अपने स्वयं के निवास के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लाता है तो अपने केवल दो मकान तो उसके स्वयं के निवास के प्रयोग के मानते हुए उनका वार्षिक मूल्य है वो तो शून्य माना जाएगा। और शेष जो मकान है उनका वार्षिक मूल्य अपने इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि वह मकान किराए पर उठाए हुए हैं, भले ही वो वास्तव में किराए पर नहीं उठाए गए हो। सेकंड है, ऐसी मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण जो गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए स्वयं के रहने के उपयोग में आई हो तथा कुछ अवधि के लिए किराए पर उठाई गई हो। अगर ऐसी कोई मकान संपत्ति है जिसको करदाता ने गत वर्ष में अपने कुछ समय के लिए तो स्वयं के प्रयोग के लिए काम में लिया और कुछ समय के लिए उसको किराए पर उठा दिया तो ऐसी संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य ये मानते हुए ज्ञात किया जाएगा कि मकान संपत्ति को किराए पर उठाया गया है। अगर कोई करदाता जैसे उसके पास एक मकान है और वह अपने खुद के निवास के लिए प्रयोग में लाते हैं, कभी कभी वो जैसे माना अपनी सर्विस के कारण या व्यापार तो पैसे के कारण बाहर जा रहे हैं तो वह मकान उसका खाली रह सकता है। अगर स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में आया और खाली रहा तब तो उसकी एनुअल वैल्यू जो है वो नील होगी, लेकिन जब वो अपने नौकरी या व्यापार के बाहर जाता है और अपने उस मकान को अगर किराए पर उठा देता है कुछ समय के लिए, जैसे एक महीने दो महीने, तो उस मकान का वार्षिक मूल्य अपने ये मानते हुए ज्ञात करेंगे कि वह मकान संपत्ति किराए पर उठाई गई है। आगे है, किराए की बकाया राशि तथा नए वसूल हुए किराए की प्राप्ति के लिए विशेष प्रावधान। जैसे किराए की कोई बकाया राशि है या नए वसूल हुआ किराया अनरियलाइज्ड रेंट, उसके बारे में क्या प्रावधान है। ऐसी राशि को करदाता की मकान संपत्ति से आय शीर्षक में शामिल किया जाएगा। बकाया किराए की प्राप्त हुई राशि अथवा नए वसूल हुए किराए की वसूल हुई राशि का 30% कटौती के रूप में स्वीकृत होगा तथा ऐसी प्राप्ति के संबंध में किए गए व्यय की कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। यानी इस प्रावधान का मतलब है, जैसे माना किसी करदाता का कोई किराया बकाया हो या कोई अनरियलाइज रेंट रहा नए वसूल हुआ किराया पीछे के वर्षों में, और अगर वह बकाया किराया या अनरियलाइज रेंट गत वर्ष में करदाता को प्राप्त हो जाता है तो वह मकान संपत्ति की आय शीर्षक में टैक्सेबल होगा और उसमें से केवल एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% होती है
वो छूट दी जाएगी और इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। जैसे मान आप पीछे का बकाया किराया 10,000 रुपये करदाता को गत वर्ष में प्राप्त हुआ, तो उस पर अपने 30%, 10,000 का 30% पर 3,000, तो 3,000 तो अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दे देंगे और बाकी जो 60,000 है वह मकान संपत्ति से आय शीर्षक में टैक्सेबल होगा। और अब अगर कोई करदाता बकाया किराया या नए वसूल हुए किराए को प्राप्त करने के लिए कोई खर्चा करता है, तो उस खर्चे की किसी भी प्रकार की कोई कटौती है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। आगे है नए कटाई जाने वाली रकम, यानी मकान संपत्ति से जब आय शीर्षक में अपने टैक्सेबल इनकम ज्ञात करते हैं तो कौन सी अमाउंट है वो नई घटाई जाएगी। भारत के बाहर चुकाया गया ब्याज यदि इसमें से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाए, अगर कोई कर रहा था भारत से बाहर ब्याज का भुगतान करते हैं और उस ब्याज पर उसने उद्गम स्थान पर कर की कटौती TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS अगर नहीं काटा है तो उस ब्याज की कटौती की छूट जो है वो नहीं दी जाएगी। वार्षिक मूल्य का ऋणात्मक होना, क्या कोई वार्षिक मूल्य जो है एनुअल वैल्यू वो ऋणात्मक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यदि कोई करदाता गत वर्ष में सकल वार्षिक मूल्य से अधिक राशि के नगर पालिका करों का भुगतान करता है तो वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो जाते हैं। वार्षिक मूल्य कैसे करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अपने म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई ओवरनर, यानी जो मकान संपत्ति के मालिक ने जो म्यूनिसिपल टैक्स चुके हैं उनको अपने घटाते हैं। तो अगर म्यूनिसिपल टैक्स सकल वार्षिक मूल्य ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ज़्यादा है तो एनुअल वैल्यू है वो ऑटोमेटिक ही नेगेटिव होगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स घटाने पर जो मूल्य आता है वो होती है हमारी एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू, ऋणात्मक हो जाते हैं। ऋणात्मक मूल्य में से मानक कटौती की छूट नहीं दी जाएगी, परंतु डे ब्याज की कटौती दी जा सकती है। अगर एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो गई या शून्य है तो उसमें जो अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 30%, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की तो छूट मिलेगी नहीं। और उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो ब्याज की छूट है, वो उसमें मिल जाएगी। आगे आते हैं प्राप्त किराए को सकल बनाना। जैसे क्वेश्चन में अपने को रेंट दे रखा, रेंट रिसीव्ड प्राप्त किराए, उसको अपने सकल ग्रोस कब बनाते हैं? तो इसमें है यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष 2019-20 में किसी निवासी व्यक्ति को किराए के रूप में 2,40,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करता है तो उस पर 10% उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी। इस प्रावधान है कि जो हमारा गत वर्ष है 2019-20, उसमें अगर कोई करदाता 2,40,000 रुपये से अधिक का भुगतान करता है मकान किराए का, तो वह उसमें से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगा TDS, और TDS कितना काटेगा वो 10%। तो अगर 2,40,000 से अधिक अपने को रेंट रिसीव दे रखा है तो इसका मतलब है कि उसमें से TDS काटा हुआ है 10%, तो अपने सकल बनाने के लिए रेंट रिसीव बट्टे 90 × 100 करेंगे। ग्रोस रेंट अपने बनाएंगे रेंट रिसीव अपॉन 90 × 100। जैसे रेंट रिसीव देने का अपने को 3,60,000, तो अपने जो सकल किराया है ग्रोस रेंट वो कैसे बनेंगे? 3,60,000 बट्टे 90 × 100 बराबर 4,00,000, यानी हमारा जो ग्रोस रेंट है, जो सकल किराया, वह होगा 4,00,000 रुपये।
तो ये तो चोपड़ा दान थे। अब अपने कुछ क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। जैसे एक अपने को क्वेश्चन दे रखा है, श्री हरि निमन संपत्तियों के स्वामी हैं और अपने को सकल वार्षिक मूल्य ग्रोस एनुअल वैल्यू की गणना है वो करनी। श्री हरि एक करदाता है और उसके पास चार मकान हैं ई एफ जी और एच, और अपने को ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो अपने हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21 और प्रीवियस ईयर गत वर्ष है 2019-20। चार मकान हैं तो अपने चार कॉलम बना देंगे ई एफ जी और एच। सबसे पहले क्या लिखते हैं, म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू दे रखे चारों की अलग अलग, और इसको कंपेयर करते हैं फेयर रेंट से। फेयर रेंट अपने को दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा है विच एवर इज आयर। 84 और 72 में 84,000, 60 और 72 में 72,000, 72 84 84,000, 72 और 60 72,000। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो अधिक हो वो अपने लेते हैं, और फिर इसको अपने कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है अलग अलग, और इन दोनों में से जो कम हो, इसमें से विच एवर इज लोअर, जो कम हो वो लेते हैं। 84 और 60 में 60, 72 54 में 54, 84 90 84, 72 72 72,000। लास्ट में दोनों बराबर है तो कोई भी। तो म्यूनसिपल वैल्यू को कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से, दोनों में जो अधिक हो उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में जो कम हो, और इसको कंपेयर करेंगे और एक्चुअल रेंट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट। यहाँ पर जो हम एक्चुअल रेंट लेते हैं, एक्चुअल रेंट जो लेते हैं वो अनरियलाइज रेंट यानी नए वसूल हुआ क्रय में से घटाकर लेते हैं। तो देखो एक्चुअल रेंट अपने को दे रखा है, पहले मकान का एक्चुअल रेंट दे रखा है अपने को 72,000, लेकिन इसमें जो अनरियलाइज रेंट है वो दे रखा है 6,000। लेकिन ये इसमें कह रहा है अनरियलाइज रेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 एज्यूमिंग द कंडीशन ऑफ रूल 4 आर नॉट सेटिस्फाइड इन केस ई, यानी जो ई मकान है नए वसूल हुए किराए के संबंध में कुछ प्रावधान है, जैसे कर उसने किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो, किराएदार से किराया वसूल करना असंभव हो गया हो, इस प्रकार के कुछ प्रावधान है जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताए थे। तो ई के अंदर ये प्रावधान है वो फुलफिल नहीं हो रहे, यानी वो प्रमाणित नहीं हो रहे, तो ई का तो अनरियलाइज रेंट नहीं घटाया जाएगा 72,000 आई का। एप के अंदर एक्चुअल रेंट तो है 72,000, लेकिन अनरियलाइज रेंट है 24,000, तो 72 में से 24,000 घटा देंगे तो 48,000। इसी प्रकार आगे 90,000 है जिसमें अनरियलाइज रेंट है 7,500 घटाएं तो 82,500, और लास्ट है 96,000 और जिसमें से अनरियलाइज रेंट है 16,000 घटा देंगे तो 80,000, और इन दोनों में जो ज़्यादा विच एवरेज आहिर 60 और 72 में 72,000, 54 48 54,000, 84 82 584,000, 72 80 में 80,000। ये हो गई हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य। इसी प्रकार एक क्वेश्चन अपने को दे और देर गए, एक मोन नाम का करदाता है और जिसके पास 3 मकान है एक्स वाई और जेड, और इसमें अपने को ग्रोस एनुअल वैल्यू भी निकालनी। तो म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी 24,000 30,000 45,000, इसको कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से, फेयर रेंट अपने को दे रखा है विच एवर इज आयर, दोनों में जो अधिक हो 24 और 30 में 30,000, 30 24 30,000, 45 और 60 60,000, और इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से।
तो स्टैंडर्ड रेंट के अंदर एक्स में तो ये लिख रहा है एन ए यानी नॉट एप्लीकेबल, लागू नहीं, और इसमें 21,000 इसमें 66,000, इन दोनों में क्या है कि विच एवर इज लोअर यानी जो कम हो। तो पहले मैं देखो 30,000 और यहाँ पर एन ए, एन ए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, तो कम यहाँ पर 30,000 होगा, या आप कहीं अन्य मत लिख देना कि अन्य कम है, अन्य तो मतलब नॉट एप्लीकेबल यानी वहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट है वो लागू नहीं हो रहा है, तो 30,000 ही आएगा। 30 और 21 में 21,000 और 60 और 66 में 60,000। इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट घटाने के बाद, तो यहाँ पर जो अपने को किराया दे रखा है रेंट रिसीट वो दे रखा है 27,000 और 3 महीने ये मकान खाली रहा, तो 27,000 में 9,000 का भाग दें, क्योंकि अपने यहाँ पर पूरे साल का किराया लगे, 9,000 का भाग दें 3,000 महीने का, तो 12 महीने का 36,000, 36,000 में से 3,000 अनरियलाइज रेंट घटा दें तो 33,000। इसी प्रकार सेकंड का 28,000 है जिसमें 4 महीने खाली रहा, तो 28,000 में 8 का भाग देंगे और फिर उसको 12 से गुणा करेंगे और उसमें से अनरियलाइज रेंट है वो 7,000 घटा देंगे तो 35,000 और लास्ट 18,000 जो है वो 6 महीने का के रहे, तो 12 महीने के होंगे 36,000 अनरियलाइज रेंट है, 36,000। इन दोनों में जो जाता हूँ विच एवर इज आहिर, 33,000, 21 और 35 में 35,000, 60 और 36 में 60,000, और यहाँ घटाएंगे लेस रेंट और वेकेंट पीरियड। ऊपर तो जो एक्चुअल रेंट है वो अपने पूरा लेते हैं यानी उसमें से वेकेंट पीरियड का रेंट नहीं घटाते, अनरियलाइज रेंट अपने घटाते हैं, और यहाँ पर अपने वेकेंट पीरियड का रेंट है वो घटाएंगे। तो पहला मकान 3 महीने खाली रह रहा है तो 3,000 × 3 9,000, दूसरा मकान 4 महीने खाली रह रहा है और दूसरे मकान का प्रति मंथ का किराया है 3,500, तो × 4 14,000, और तीसरा जो मकान है वो 6 महीने खाली रह रहा है तो 18,000, तो 33 में से 9,000 घटें तो 24,000, 35 में से 14,000 घटें तो 21,000, 60 में से 18,000 घटें तो 42,000। तो ये होगी हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। तो ये बच्चों 2 क्वेश्चन थे जिसमें अपने को ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो निकालनी थी, वो अपने हल करके देखें। धन्यवाद।